इमरान खान के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए, सारे पटवारी जरदारी मरदारी ये सब जो है ना डाकुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? हम डेरा इस्माइल खान से कराची में रह रहे हैं। कराची में रह रहे हैं अभी? हाँ। तो कितना टाइम हो गया आपको डेरा इस्माइल खान से आते हुए? तकरीबन ढाई महीने हो गए। ढाई महीने हो गए यहाँ पर कराची में आए हुए। तो आप कराची कितना घूम चुके हैं? सीवीओ वगैरह, चाइना पोर्ट और कैजम मजार, काफी देख चुके हैं सारा कराची। तो कराची आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। कराची अच्छा लगा आपको? उसके अलावा आपसे अगर कुछ सवाल पूछे तो आप उसके जवाब देना चाहेंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान में जो भी महंगाई चल रही है जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार महंगाई ऐसा है कि अभी हम क्या कह सकते हैं कि मुल्क के खजाने में पैसे नहीं है। और दूसरा सारा छोर है, सियासतदान सारे छोर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इमरान खान को जो है ना उतार दिया। इमरान खान के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए, सारे पटवारी जरदारी मरदारी ये सब जो है ना डाकुए। और इमरान खान ईमानदार बंदा है, उसके खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए। इंशाल्लाह जीता की होती इमरान खान की फतेह होती। लेकिन अभी तो इमरान खान जेल में, ना कोई खबर आ रही है तो, और ये लोग इलेक्शन पे भी नहीं करवा रहे। तो जेल में तो लीडर जाते हैं ना, चोर तो नहीं जाते ना। देख मुश्किल हालात लीडरों के ऊपर आते हैं। इमरान खान एक लीडर है और उसको जो है ना जेल में जो है ना बस और जरदारी तो नहीं जा सकते है ना। नवाज शरीफ जा सकते हो तो भाग जाते हैं, लेकिन मुश्किल हालात में मुल्क भी नहीं छोड़ सकते है ना। तो इमरान खान जो है ना बस ऐसे लीडर है कि जो है ना इन लोगों को खतरा है, जो है ना अस्करी क़यादत को भी खतरा है इनसे ना, कि हमारे खिलाफ खाली यही लीडर खड़ा हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाकी जरदारी और नवाज शरीफ तो चोर है, चोर में कोई ईमान नहीं होता है। और ईमानदार आदमी का जो है ना साथ देना चाहिए। इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। और इसके अलावा भी जो सुनने में आया गया नवाज शरीफ आ रहा है 22 अक्टूबर को, आपको क्या लगता है वो आएगा या नहीं? अबे नहीं आ सकता है, नवाज शरीफ डाकू है, डाकू छुपा हुआ है, वो कहाँ आ सकता है? तो वो नहीं आ सकता? नहीं अरे झूठ है, किधर आ सकता है? लोग उसको मार देगा। इतना पाकिस्तान का पैसा लूट के जो लंदन में प्रॉपर्टी इन लोगों ने बनाई है, सारा अवाम का खून चूस के जो है ना लोग उसको चप्पलों कार पहना देगा नवाज शरीफ। बात तो सही है। और ये फजलुर रहमान जो कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो इसके आप क्या कह रहे हैं? डेरा इस्माइल खान का है, वो भी डेरा इस्माइल खान का, हम लोग भी डेरा इस्माइल खान का। वो मौलाना फजलुर रहमान है, फजलुर रहमान है, फजलुर रहमान फजूल बंदा है। और जो है ना उसका वैसा बेदनती है, और जो है ना इमरान खान के साथ लोग खड़े हुए। अभी वो बोलते हैं कि बस इसका सोचे कि हमारे साथ इतना लोग क्यों नहीं खड़ा होते। इमरान खान एक अच्छे आदमी, उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। और इमरान ये मौलाना फजलुर रहमान और आलू में कोई फर्क भी नहीं है, क्योंकि जैसे आलू और सालन में मिक्स होते हैं ना, और ये यार हुकूमत में मिक्स हो जाता है। अच्छा अभी इमरान खान को भी ऑफर मिल गया, आप ये सब कुछ छोड़ के आप भाग जाओ? हाँ एनआरओ देना चाहता था, लेकिन वो इमरान खान एनआरओ कबूल नहीं करना चाहता। इमरान खान ने कहा कि मैं मरूंगा भी यहाँ, जो भी करो मैं यहीं पर रहूंगा, जेल में पूरी जिंदगी रह सकता हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं सकता। ये बात सच है? हाँ बिल्कुल हकीकत है। इमरान खान एक नर लीडर है और उसको सब पाकिस्तानियों को उसका साथ देना चाहिए। कर देता है, तुम बाहर चला जाओ। जी जी हाँ, इमरान खान के साथ कौम का बच्चा बच्चा खड़ा हो इंशाल्लाह। ये इमरान खान नाहेल है, तो अगर इमरान खान किसी और खड़ा करे, किसी को भी तो आप वोट देंगे? वोट उसको हम लोग देंगे इंशाल्लाह। कड़ा कर लेना तो फिर कंबा भी जीतेगा, कंबे को ही जीतेगा, जितवाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान चले गए, जबरदस्त एक ईमानदार लीडर है, परवाह नहीं है। और जो है ना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खान साहब भी बस बेहतर सोचता है। बाकी जो है ना ये मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को तो इंग्लिश भी नहीं आता है, मिला हुआ है। इमरान खान एक एटसम लीडर है, जबरदस्त जो है ना मुल्क में ऐसा वज़ीर आज़म होना चाहिए जैसे इमरान खान है। बाकी तो ये सादा कद्दू करेले हैं सब जो है ना। इनका तो एक केस खत्म हो गया था जो गली के उसमें तोशाखाना केस में। हाँ। तो बाहर इंग्लैंड दोबारा अंदर करती है फौरन ही। ये ना बस इन लोगों का जो है ना बस खान को जो है ना आगे बढ़ने नहीं देता है। और खान साहब का इंशाल्लाह की जीत होती है, खान साहब की जीत होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की हालत चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के हुक्मरान ही खा रहे हैं पाकिस्तान को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुक्मरान ही खा रहे हैं पाकिस्तान को। जी सर बोलिए जी। हम पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान जो है, आप उनमें से किस हुक्मरान को चुनना चाहते हैं? यार मैं अगर उनका नाम लूंगा ना तो मैं शायद कराची में नजर ना आऊं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सच बोलने से नजर नहीं दिखाए ना, फिर हिम्मत रखे पाकिस्तान। यार मैं अगर सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप बताएं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान जिंदाबाद, नारा हो जाए इमरान खान जिंदाबाद। हमको लीडर ऐसा चाहिए।
यहाँ पे रहने वाले ना उनकी इज्जत नहीं है, जो बाहर मुल्क से जो आएंगे ना उनकी इज्जत बड़ी, उनको बड़ी प्रोटोकॉल दी जाएगी, बड़ी इज्जत दी जाएगी उनको। लेकिन हमारे यहाँ के जो है ना उनको तो बोलेंगे आप लोग कौन हो, हमारी तो महंगाई ऐसी करी हुई है, बाकी हमारे को बोलते हैं जाओ आप लोग मरो जाके। मैं पेट्रोल 232 से पहुंच गया और भी सुनने में आ रहा है अगले हफ्ते 337 अगले हफ्ते 350 से ऊपर होने वाला है, अगले हफ्ते 350 हो जाएगा। हमने तो बाइक चलाना छोड़ दिया, बाइक घर पे खड़ी कर दी, उसके अंदर सीनी सिस्टम करवा दिया हमने तो उसके अंदर, और हमने तो भाई सीपे 125 ले लिए। अच्छा आपको पेट्रोल महंगा होने की फिक्र नहीं है? मसला नहीं है, आधार पर लीटर भी लेंगे भाई। आजकल दोरी आजकल दोरी लड़कों का चल रहा है, चाचे बोलते हैं लड़के हमारे साथ हो तो बाइक उनको बाइक उनके लिए क्या है, पेट्रोल कुछ भी नहीं उनकी जिनके लिए, ठीक है ना। तो इनको 125 की, इनको तो सीवी भी मिल जाएगी, इनको इनके लिए पेट्रोल क्या महंगा है। अच्छा ये ले लें। अभी आप अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं आप उनको ये कह सकते हैं कि आपकी बेटी इतना खर्चा नहीं करती जितना हम एक हफ्ते एक दिन में बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं। हाँ वो डलवा लेंगे भाई, फखर से कह सकते हैं, फखर से कह सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये इसीलिए तो बाइक ही खड़ी कर दी, बाइक खड़ी कर दी आपने, आप नहीं कह सकते फिर। हमने गाड़ी ली ना, हमने सीएनजी सिस्टम करवाया ना, पेट्रोल खत्म कर दिया उसके अंदर, पेट्रोल तो महंगा हो गया ना। अच्छा तेल जितना महंगा हो लेकिन हम डलवाएंगे 50 का। 50 का दे देते पेट्रोल पंप वाले, दिखा देते हैं, सुंगा देता है हमारे उधर, सुंगा देता है ओ हमारे थर के अंदर से देता है। ऐसी ना खाली सुन के कैदम मजार तक पहुंच जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा कराची कितना है, घुमा देता है 50 के तेल में। सो जाओ भाई, आंख मिच लो बोलना कायदे आजम के मजा, बस सोने के बाद उठने से पहले सोने के बाद फिर घूम सकते हो। अब समझ नहीं रहे, सोने के बाद ख्वाब में मैं उसको कैमरा दोनों दोनों रबड़े उस अंदाज में चश्मा लगाओ ना सर, सर चश्मा लगाओ ना आप। क्या नाम है आप? क्या नाम है आपका? ओ तेरी। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।